तो दोस्तों बजाज ने 100-110 सीसी इंजन सेगमेंट की बाइकों के पसीने छुटाने के लिए एक और नया एक्सपेरिमेंट जो है कह सकते हैं ना प्लैटिना में किया है। इसमें दोस्तों अब ABS दे दिया है। 110 सीसी इंजन सेगमेंट में शायद ही जो है कोई बाइक आपको मेजरली देखने को मिलती होगी ABS के साथ में। फटाफट से बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, क्या प्राइस रहते हैं, क्या फीचर्स जो इसके देखने को मिलेंगे। 72,000 रुपये इसकी एक शोरूम रहती है, और जो ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं उत्तराखंड में तो आप जो है नीचे नंबर दिया गया यहाँ से पता कर सकते हैं। और प्लैटिना वैसे तो 100 जो है कह सकते हैं 10 CC और 100 CC दोनों इंजन सेगमेंट में आ जाती है, लेकिन जिसे थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए, थोड़ी जो है कह सकते हैं ना माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, तो वो 110 सीसी सेगमेंट में इसे कंसीडर कर सकता है। तो अब यहाँ पर जो है मेन ABS, एक बार आपको एक चीज़ बता दूँ, विदाउट ABS वाली बाइक जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्किड होने के, फिसलने के लिए, जब ब्रेकिंग जो है यहाँ पर अप्लाई होती है, ब्रेक अप्लाई होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी करी है, ABS दे दिया है अब जो है इस सेगमेंट में, तो यहाँ पर वो चीज़ भी एक तरीके से नेगलेक्ट हो चुकी है। और ज़्यादातर ABS तो अब आपको एक कॉमन कह सकते हैं ना हर एक कारों में तो एक मैंडेटरी हो ही चुका है, तो ये चीज़ अब आपको जो है 110 सीसी बाइकों में भी आप देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा किया और सेगमेंट में कह सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है कह सकते हैं ये एक अच्छा मूव रहेगा जो है बजाज की ओर से। अब बात करें इस बाइक की, तो इसमें आपको कलर ऑप्शन भी आपको काफ़ी जो है अच्छे खासे 2 से 3 आपको मिल जाते हैं। रेड का कॉम्बो, ब्लू का कॉम्बो लेना चाहेंगे वो भी मिल जाएगा, बाकी ये कलर पसंद आ रहा है तो ये भी आप जो है इसमें ले सकते हैं। अब इसकी जो है मेन जो है ABS यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद जो है इंजन की बात करते हैं, जो कि सबसे कह सकते हैं ना माइलेज जो है यहीं से जो है काफ़ी अच्छी जो है आपको देखने को मिलती है। तो इसमें जो इंजन जो दिया गया है, वैसे तो यहाँ पर आपको जो है 110 सीसी जो है ABS जो है यहाँ पर कहा गया है, लेकिन इसमें जो है इंजन आपको 115.45 सीसी का जो है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक यहाँ पर जो है इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.44 जो है BHP की, 9.81 जो है न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में, और माइलेज वैसे तो 75 से 80 के आसपास क्लेम करा जाता है, लेकिन ऑन जो है अगर कह सकते हैं हाईवे आप आसानी से 70 तक का निकाल सकते हैं। और 11 लीटर की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में 650 से 700 किलोमीटर आसानी से एक बार में जो है आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बाकी एक और चीज़, 5 स्पीड का ट्रांसमिशन आता है जो है 4 गियर इसके जो है 100 CC वाले में आते हैं, इसमें जो है आपको टोटल 5 गियर देखने को मिलेंगे। और फ्रंट में जो आपको 240 mm की डिस्क मिल रही है, रियर में आपको जो है 130 mm की जो है ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर मिल जाती है। बाकी इस तरीके से जो है इनका जो है एलॉय का पैटर्न रहता है, बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन तो ये तो आपको मिलते ही मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस एक चीज़ ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि इसमें आपको जो है 200 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस प्रॉपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओवरऑल वेट इसका वही 119 से 120 kg का आसपास रहता है, तो इसमें माइलेज भी सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर रहता है कि वेट बहुत कम है। और वेट के साथ साथ टायर प्रोफाइल देखिए, 80 जो है 100 17 की जो है फ्रंट की भी मिलती है और रियर की भी मिलती है, तो सेम टायर प्रोफाइल होने से ये भी फायदा है कि ज़्यादा चौड़े चौड़े टायर नहीं है, तो यहाँ से आपको जो इसमें माइलेज भी इनसे काफ़ी अच्छा जो है देखने को इसमें मिल जाएगा। बाकी ऐसा कुछ है इसका पूरा ओवरऑल डिज़ाइन अगर आप देखें, और बाकी ये चीज़ देखिए इतने चौड़े चौड़े कौन देता है यार, इसमें आपको जो इतने चौड़े चौड़े फुट पैडल्स यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे पैर रखने के लिए मिल जाते हैं। और रियर में थोड़ा इस शेड में आपको जो है यहाँ पर कॉइल टाइप जो है रियर में सस्पेंशन दिए गए हैं। इसके बाद सीट देखिए, सीट कितनी चौड़ी दे रखी है, इसमें कम से कम 3 से जो है 4 लोग तो आराम से जो आप बिठा के जो है कॉलेज वॉलेज में जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से जो है मीटर कंसोल की बात करी जाए, मीटर कंसोल एज आ सेमी डिजिटल टाइप का है, लेकिन इसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर दे दिया गया, ABS का इंडिकेटर, न्यूट्रल का, बाकी जो नॉर्मल रहते हैं वो सारे कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। 120 की जो है मैक्सिमम स्पीड रहती है, लेकिन जाती वही जो है 90-100 तक ही है, इतना ऊपर आप भगा भी नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर जो है ऐसा कुछ हॉर्न रहता है इसका जो है यहाँ पर इंडिकेटर, और जो है लो बीम हाई बीम के लिए ये जो है सेल्फ और किक दोनों के साथ में आ जाती है बाइक, ये अच्छी खासी जो है यहाँ पर चीज़ देखने को मिली। बाकी फ्रंट में ये देखें तो ये रहती है इसकी जो है DRLs, ये इंडिकेटर्स रहते हैं, और जो है यहाँ पे लो बीम हाई बीम जो है कुछ इस तरीके से आप हैलोजन में इसमें करेंगे। और रियर में अगर आप टेल लैंप्स देखें तो टेल लैंप्स कुछ ऐसी जो है आपको देखने को मिलेगी हैलोजन में, इंडिकेटर्स भी हैलोजन में इसमें रहते हैं। तो अब जिसे जो है ABS वाली बाइक चाहिए, जिसे थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा मतलब सोचता है वो माइलेज के साथ साथ, तो ये बाइक जो है ले सकता है 110 सीसी इंजन सेगमेंट में। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।